नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक्सिगो ऐप से ट्रेन का टिकट कैसे कैंसिल करें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे आप अपना एक्सिगो ऐप से ट्रेन का टिकट कैंसिल करेंगे। तो उसके लिए गाइस आपको करना क्या कि अपना एक्सिगो ऐप ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐड आएगा, ऐड को यहाँ पे रिमूव कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना टिकट कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे साइड यहाँ पे देखेंगे, यहां पे आपको देखने मिलेगा प्रोफाइल। बस क्या करेंगे, अपना प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे यहां पे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा माय बुकिंग्स। बस क्या करेंगे, माय बुकिंग्स में आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे माय बुकिंग्स में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा आपको ट्रेन टिकट कैंसिल करना या फ्लाइट टिकट या बस या कैब या होटल। तो यहां पे अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल करने के लिए आपको सबसे ऊपर ही देखने मिलेगा ट्रेन। बस क्या करेंगे, इस ट्रेन में क्लिक करेंगे। जैसे यहां पे ट्रेन में क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको देखने मिल जाएगा जो भी आपको ट्रेन बुक किए वो आपको यहां पे ऊपर में ही देखने जाएगा आपका ट्रेन। तो यहां पे मैं यहां पे मेरा देखने मिल रहा है जो कि मैं कटिहार से कोलकाता जाना चाहता हूं। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस यानी देखने मिलेगा। तो यहां पे क्या करूंगा, इस जगह क्या करना आपको, इस तरह से आपको यहां पे देखने मिलेगा। बस क्या करेंगे, अपना टिकट कैंसिल करने आपको क्या करना, इस जगह यहां पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपका सारा कुछ यहां पे डिटेल्स देखने मिलेगा। आपका जो टिकट है यहां पे जो मेरा देखने कटिहार जो लगभग 25 अगस्त को मेरा ट्रेन था, उसके बाद यहां पे जो 26 अगस्त को वो पहुंचाएगा तो कटिहार से कोलकाता, तो इस तरह से देखने मिलेगा। और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा जो जिसके नाम से टिकट है, यहाँ पे सारा कुछ देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अपना कैंसिल करने लगा आपको करना क्या कि स्क्रॉल डाउन करके सीधे नीचे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आपको सीधे नीचे आ जाना। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका देखने मिलेगा आपका टिकट का जो जितना भी आपका यहाँ पे फीस है, टिकट का जितना भी किराया यहाँ पे सारा कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कैंसिल टिकट। बस क्या करेंगे, इस कैंसिल टिकट में आपको क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे कैंसिल टिकट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कैंसिल करने लगा इस आपको करना क्या कि यहां पे आपको दो यहां पे आपको देखने मिलेगा यहां पे आपका जो नेम है यहां पे जिसके नेम से आप टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं। बस क्या करेंगे, उसका नेम पे आप यहां पे क्लिक करेंगे। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपको क्या करना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे यहां पे नीचे आएंगे, उसके बाद यहां पे आपको तीन ऑप्शन देखने मिलेगा, भाई यूपीआई, भाई एसएमएस, बैंक ट्रांसफर, रिफंड सोर्स। यहां पे आप किसके मतलब थ्रू अपना जो अपना पैसा जो वापस लेना चाहते हैं, किसके थ्रू लेना चाहते हैं, यहां पे आप बैंक अकाउंट के थ्रू लेना चाहते हैं, यहां पे इसमें क्लिक करेंगे। अगर यहां पे आप आईएमपीएस के थ्रू लेना चाहते हैं, इसमें क्लिक करेंगे। रिफंड सोर्स, यहां पे रिफंड ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट, आप किस जिसके थ्रू आप पेमेंट किए हैं अगर उसके थ्रू आप लेना चाहते हैं अभी क्या करेंगे, रिफंड टू सोर्स, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यहां पे नीचे देखने मिलेगा आपको प्रोसीड विथ रेगुलर रिफंड। बस क्या करेंगे, प्रोसीड विथ रेगुलर रिफंड में आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद टोटल रिफंड आप देख सकते हैं 265 यहां पे मेरा जो रिफंड हो रहा है। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, कैंसिल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कैंसिल नाउ पे क्लिक कर दूँ। जैसे मैं कैंसिल नाउ पे क्लिक किया हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट कर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कैंसिलेशन सक्सेसफुल, यानी आपको जो यहाँ पे टिकट 100% यहाँ पे कैंसिल हो चुका। और यहाँ पे आपका रिफंड जो होगा, टोटल रिफंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको टोटल रिफंड यहाँ पे नीचे ही देखने मिल जाएगा, टोटल रिफंड 265। तो गाइस यहाँ पे मेरा टोटल रिफंड जो हो रहा 265 मेरा रिफंड हो जाएगा, जो कि रिफंड होने का टाइम है गाइस लगभग 7 डेज के अंदर अंदर आपका रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आपका एक दो दिन में नहीं हुआ रिफंड तो आपका 7 डेज यानी 7 दिन के अंदर ही रिफंड हो जाता है आपका। कोई भी कहीं से भी आप टिकट बुक किए, कहीं भी कैंसिल करते हैं तो आपका 7 डेज के अंदर ही आपका रिफंड आपके अकाउंट में इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस घर बैठे इस तरह से आप आसानी से अपना एक्सिगो ऐप से अपना ट्रेन का टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।